सो हेलो मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे TVS की, TVS XL 100 कम्फर्ट बाइक की, जिसको कई लोग मोपेड भी बोलते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इसको आप कहाँ से ले सकते हैं, प्राइस क्या रहेगी, माइलेज क्या रहेगी, टॉप स्पीड क्या रहेगी, सारा कुछ। तो वीडियो में पूरा बने रहेगा अंत तक, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले इसका ऑल ओवर लुक देख लो, काफ़ी शानदार लुक लगती है। फ्रंट से बात करेंगे तो यहाँ पे आपको TVS का आपको स्टिकर मिल जाएगी। हेडलाइट की बात करें तो इसमें आपको बल्ब वाली हेडलाइट देखने को मिल जाएगी। वही भी बात करें इसकी टर्न लाइट की दोस्तों, तो ये आपको बल्ब वाली देखने को मिलती है। टर्न लाइट को इंडिकेटर भी बोलते हैं कई लोग, ठीक है। और उसके साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगी। ग्राफिक जो स्टिकर है, जो पूरा बॉडी में सेम आपको स्टिकर यहाँ मिलती है। यहाँ पर आपको LED का एक और लाइट मिल जाती है। नीचे आपको नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन मिल जाएगी। यहीं पे अगर बात करें सस्पेंशन की दोस्तों, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलती है। और नीचे साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाती है। और यहीं पे अगर बात करें इसके टायर की दोस्तों, तो इसमें आपको ट्यूब टायर देखने को मिलती है, जो कि 2/50 16 इंच की इसमें आपको टायर साइज देखने को मिल जाएगी। व्हील की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको स्पोक वाली व्हील देखने को मिलती है। अलॉय व्हील इसमें नहीं मिलती है, लेकिन आप बाहर मार्केट में अलॉय व्हील लगवा सकते हैं, बाहर मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, तो वो आप लगवा सकते हैं चाहें तो। और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो ड्रम ब्रेक मिलती है, यहाँ पे आपको मडगार मिलेगी ग्लोसी कलर में, सामने आपको रबर अलग से मिल जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी मीटर कंसोल वगैरह की, तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो है पूरी तरीके से एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, नीचे ओडोमीटर मिल जाती है। और यहाँ पे आपको बाकी सेंसर लाइट देखने को मिलती है, जैसे टर्न लाइट हो गया, लाइट हो गया, बैटरी हो गया, वो सारी। और इसका चाबी कुछ इस प्रकार मिलेगी, छोटी सी चाबी है लेकिन काफ़ी मजबूत चाबी है। दोनों चाबी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, काफ़ी शानदार है। यहाँ पे आपको फ्यूल का आपको सेंसर देखने को मिल जाएगी। नीचे USB पोर्ट मिल जाएगी, जिससे आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बटन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको लाइट का, और उसके बगल में लो बीम हाई बीम का, उसके नीचे टर्न लाइट का बटन मिल जाएगी, और सबसे नीचे हॉर्न का बटन देखने को मिलती है। राइट साइड में सेल्फ स्टार्ट एंड इंजन किल स्विच एक ही साथ देखने को मिल जाती है। मिरर की बात करें, छोटी सी लेकिन काफ़ी मजबूत मिरर इसमें आपको देखने को मिलेगी। अब यहीं पे अगर इसका बात करें, इसके टर्न लाइट को ऑन करके दिखा देता हूँ, तो कुछ इस पे इसमें आपको टर्न लाइट देखने को मिलती है जब ये ऑन होती है। तो स्टार्ट करके भी अगर बनेगा फ्यूल होगा तो स्टार्ट करके भी मैं आपको ये दिखा दूँगा, जिससे आपको इसका साउंड वगैरह पता चल जाए। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप इसका पूरा ऑल ओवर बॉडी देख लीजिए। यहाँ पे आपको TVS का स्टिकर देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ ग्राफिक्स वगैरह देखने को मिलती है। नीचे XL 100 कम्फर्ट का स्टिकर अलग से मिलती है। और दोस्तों इस वाले वेरिएंट में आपको ETFI का स्टिकर मिल जाएगी, इको चार्जर का, और किक स्टार्ट भी मिल जाती है। यहाँ आपको आपको काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाएगी, जिसमें कुछ अगर सामान वगैरह रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से रखवा सकते हैं इसमें, ठीक है। और E20 की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाएगी, E20 फ्यूल को भी ये सपोर्ट कर लेती है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो 4 लीटर की इसमें आपको फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिलती है। ऑल ओवर काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छे फीचर मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटी सी पॉकेट मिल जाएगी दोस्तों, जिसमें आप कुछ टूल्स वगैरह या फिर कुछ पेपर वगैरह रखना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे रख पाएंगे। अब यहीं पे बात करें अगर इसकी इंजन वगैरह की दोस्तों, तो इसमें आपको एयर कूलेड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन मिलती है। 99.7 cc की इसमें आपको इंजन मिल जाती है। कूलिंग सिस्टम बताया दिया, एयर कूलिंग सिस्टम मिलती है। और फ्यूल सप्लाई की बात करें तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम द्वारा इसमें फ्यूल सप्लाई किया जाता है। पावर की बात करें, 4.4 PS की पावर दे देगी, और 6.5 Nm का इसमें टॉर्क मिलती है। यहाँ पे आपको किक स्टार्ट का भी ऑप्शन मिल जाती है, तो किक स्टार्ट एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों का ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे फुटेज देख लो, ये फिक्स है, रियर वाली भी फिक्स है, मतलब फ्रंट एंड रियर वाली दोनों फुटेज इसमें आपको फिक्स मिलती है, किसी को भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। सीट की बात करें तो सिंगल सीट मिलती है, और जो XL 100 हैवी ड्यूटी है उसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती है, लेकिन ये वाले वेरियंट में आपको सिंगल मिलती है। और इसके ऊपर वाले जो विनर एडिशन है उसमें भी आपको सिंगल सीट ही देखने को मिलती है। हैवी ड्यूटी बस में आपको जो स्प्लिट सीट देखने को मिलती है। टेल लाइट की बात करें और पीछे का आपको लुक देख लो, पीछे से काफ़ी अच्छी लगती है। टेल लाइट की बात करें, बल्ब वाली इसमें आपको टेल लाइट देखने को मिलेगी। नीचे नंबर प्लेट लग जाएगा, टर्न लाइट इसमें आपको बल्ब वाली मिलती है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाती है, जो कि ऑल ओवर काफ़ी अच्छी है। एक बार आप अच्छे से इसका लुक देख लो, काफ़ी शानदार लगती है, कुछ इस प्रकार का आपको लुक मिलेगी इसके रियर साइड से। अब यहीं पर बात करेंगे इसके टायर की दोस्तों, तो जैसे कि फ्रंट में है वैसे सेम रियर की भी टायर सेम है। ट्यूब टायर मिलती है, टायर साइज भी सेम है, 2/50 16 इंच की इसमें आपको टायर साइज देखने को मिलती है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसमें भी आपको सेम टायर साइज देखने को मिलेगी। व्हील की बात करें तो सेम इसमें भी आपको स्पोक वाली व्हील मिल जाएगी। और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है रियर में, ये आपको 110 mm का ड्रम ब्रेक मिलती है।
सस्पेंशन की बात करें तो हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन मिल जाएगी और ये एडजस्टेबल है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है और वाइट कलर का मिलती है। यहाँ पे आपको एक बैग वगैरह रखने के लिए हैंडल देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर लुक काफ़ी शानदार है, आप इसका लुक एक बार मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस पर अगर इसमें आपको ऑल ओवर लुक देखने को। एक और फीचर जो मैं आपको बताना भूल रहा था जो कि है साइड स्टैंड इंजन किल स्विच। इसका बेसिकली काम यह था कि अगर आपकी बाइक स्टार्ट है और साइड स्टैंड में लगा देंगे तो इंजन बंद हो जाएगी, और अगर बंद है तो जब तक आप साइड स्टैंड नहीं हटाएंगे तब तक आपकी इंजन स्टार्ट नहीं होगी। बेसिक फीचर है सिक्योरिटी के लिए जो कि काफ़ी सही है। और अब इसके कुछ और फीचर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे इसका माइलेज, टॉप स्पीड एंड इसका प्राइस वगैरह के। तो माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 55 से 65 किलोमीटर इसमें आपको माइलेज देखने को मिल जाएगी। और वहीं पे टॉप स्पीड की बात करें तो 70 से 80 किलोमीटर इसमें आपको टॉप स्पीड देखने को मिलती है। और दोस्तों यहीं पे अगर बात कर लें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की, तो इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी और व्हील बेस है वो 1260 mm का व्हील बेस देखने को मिलती है। कुछ और फीचर जैसे कि इसका लेंथ, तो 1970 mm का इसमें आपको लेंथ मिल जाएगी। विथ की बात करें तो 705 mm का विथ मिल जाएगी और हाइट की बात करें तो 1085 mm का हाइट मिल जाती है। और अगर सीट हाइट की बात करें तो 770 mm का इसमें आपको सीट हाइट देखने को मिलती है। यही पे अगर इसकी टोटल कर्व वेट की बात करें तो ये इसमें 80 kg का इसका टोटल कर्व वेट देखने को मिल जाएगी। ऑल ओवर काफ़ी अच्छी है। और एक शोरूम प्राइस की बात करें तो दोस्तों 60 से 62 हज़ार का इससे एक शोरूम प्राइस मिलेगी। दोस्तों शोरूम का पूरा डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाएगा, तो उस नंबर पे कॉल करके आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे अगर आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं तभी कॉल कीजिएगा, बाहर से प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे।